ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए ऑल न्यू जो होंडा एविएटर का आप लोग रिव्यू करने के लिए बोल रहे थे बहुत दिनों से। बहुत लोग आप लोग मैसेज कर रहे थे कि एविएटर का रिव्यू देखना है, तो फाइनली जो स्कूटर है वो अवेलेबल हो गई है और आप उसका रिव्यू देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप अगर होंडा की और भी स्कूटर्स का बाइक्स का रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट ऑप्शन आप चेक कर लो जाके इस चैनल पे, वहाँ पे आपको इसकी डिफरेंट बाइक्स और स्कूटर्स का डिटेल्ड रिव्यू देखने को मिल जाएगा। आपको अगर स्कूटर अच्छी लगती है, आप इसको परचेज करना चाहते हो, तो आप अपने नियरेस्ट होंडा शोरूम में जा सकते हो, स्कूटर आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। स्कूटर दोस्तों अच्छी लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो इसका फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख रहे हैं 2018 होंडा एविएटर का, तो पूरा आप एक अच्छे से पूरा यहाँ पे लुक ले सकते हो। सबसे बड़ा जो हाईलाइट चेंज है 2018 होंडा एविएटर में वो आप सामने देख रहे हैं, आपको इसमें LED हेडलैम्प्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पहले आपको ये नॉर्मल कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते थे, तो एक ये वेलकम चेंज है। लगभग आपने होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ आजकल देखोगे, आप बाइक्स देखोगे, स्कूटर्स देखोगे, होंडा LED का ही यूज़ करता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडैप्ट करने में कंपनी सबसे आगे है। शायद अभी होंडा की बाइक्स में ही सबसे ज़्यादा आपको स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा आपको LED का यूसेज देखने को मिलेगा। बाकी कंपनियां लगभग अभी भी जो हेलोजन बल्ब्स होते हैं उसी पे ही काम कर रही हैं। नीचे की बात करते हैं, एप्रन की बात करते हैं, तो होंडा की ब्रांडिंग आपको मिलती है स्टिकर फॉर्म में। यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर सेटअप है, ये आपको जो नॉर्मल बल्ब्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे जो अपना क्रोम इंसर्ट है जो इसके फ्रंट को ब्यूटिफाइड लुक देता है वो यहाँ पे दिया गया है, तो एक अच्छे से पूरा आपको इसके फ्रंट डिज़ाइन का चेंजेस का आइडिया लग गया होगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों इसके साइड में और जो इसका साइड लुक है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो साइड प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरे स्कूटर का, यहाँ से आप इसका एक साइड लुक ले सकते हो। चलते हैं नीचे की तरफ और जो इसके व्हील हैं वो आपको शो कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉम्बी ब्रेक टेक्नोलॉजी आपको इसे मिलती है, जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी जो ब्रेक्स हैं आपको इस मॉडल में आपको मिलते हैं ड्रम, ये आप देख सकते हो। डिस्क आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी जो आपके रिफ्लेक्टर हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। साइड का व्यू आपको यहाँ पे मिल गया है, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखते हो तो आपको ब्राउन फिनिश यूज़ किया गया है, जो इसका सीट है और जो यहाँ पे इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं ब्राउन पे मिलते हैं। यहाँ पे जो एविएटर की ब्रांडिंग है वो आप देख रहे हो क्रोम पे प्रोवाइड की गई है, HET BS4 जो होंडा की एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलते हैं दोस्तों स्कूटर के पीछे और जो इसका बैक प्रोफाइल है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो बैक का भी एक लुक आप अच्छे से पूरा ले लो। यहाँ पे जो आपके रियर टेल लैंप है ये आपको मिलते हैं कन्वेंशनल, यहाँ पे आपको LED नहीं प्रोवाइड किया गया, जैसे कि इसका हेडलैम्प है वो LED पे दिया गया है। यहाँ पे आपको कन्वेंशनल टेल लैंप्स का यूज़ देखने को मिल रहा है, या तो कन्वेंशनल बल्ब्स का यूज़ देखने को मिल रहा है। दूसरे साइड आ गए हैं तो इधर से भी आप रिव्यू ले लो, तो ऐसा जैसा कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे एविएटर की जो ब्रांडिंग है जैसे उस साइड थी वही आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करी गई है। फ्रंट से साइड से तो सब मैंने आपको शो कर दिया है। अब चलते हैं स्कूटर के ऊपर और यहाँ पे आप इसका एक व्यू ले सकते हो। तो पहले तो जो आपका ग्रैब हैंडल है मिलता है आपको सिल्वर फिनिश पे और बहुत ही चौड़ा ग्रैब हैंडल यहाँ प्रोवाइड किया गया है जो आपके पिलन के लिए है। सीट्स हमेशा से होंडा की जो स्कूटर्स हैं बहुत ही वाइड रहती हैं, जो कुशनिंग है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। बाकी जो लोग भी एविएटर चला रहे हैं, जो पुराना मॉडल भी चला रहे हैं या जो नया ले भी चुके हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपको इसकी सीटिंग कैसी लगती है, कम्फर्टेबल लगती है कि नहीं लगती है, तो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाता है। चलते हैं आगे और जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिजिटल कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, फ्यूल गेज है, बाकी जो नॉर्मल सिग्नलिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हैंडल्स की बात करते हैं तो आपका जो हाई बीम लो बीम है, आपका जो इंडिकेटर है, आपका जो हॉर्न है, नीचे आपका जो चोक है ये इधर आपको प्रोवाइड किया गया है। बाकी जो आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे आप देखते हैं तो आपका जो की एरिया है, तो सीट आपको अगर ओपन करनी तो आपको खाली सीट पर करना और आप यहाँ पर सीट पर प्रेस करोगे सीट ओपन हो जाएगी। ये आपको बहुत ही जो क्लस्टर है वो आपको लगभग अब सारी इनकी जो स्कूटर्स आती है उसी में देखने को मिलता है। अब जो इसका अंडर कंपार्टमेंट है वो देख लेते हैं, तो जल्दी से सीट पे करके और इसको कर लेते हैं ओपन और जो इसकी स्पेस है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये इसका आप अंडर सीट एरिया देख रहे हैं, आपका फ्यूल इंटेक एरिया हो गया यहाँ पे, बाकी स्पेसेस आपको अच्छी खासी मिल जाती हैं, आपका हेलमेट आराम से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहते हो तो अपना आप जो चार्जर है 12 वोल्ट सॉकेट है वो आप यहाँ पे लगवा सकते हो अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। इसको दोस्तों कर देते हैं बंद और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जितनी भी इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने आपसे शेयर कर दी है, आपको स्कूटर भी अच्छे से दिख गई होगी। अगर आपको स्कूटर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप इसको खरीद चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानी इनफ़।